Smart people, smart thinking and smart city. But do you think Nagpur can be smart? We are talking about Nagpur's most happening spot, Futaala Lake. हर नागपुरवासी का मन पसंदीदा स्पॉट फुटाला लेक क्या बन पाएगा स्वच्छ और सुंदर? क्या यहाँ परिवार के लोग आना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ? क्या महिलाएं हो पाएंगी सेफ? हम दिखाएंगे आपकी समस्याएं, ये फैसला लेंगे आप कि क्या बन पाएगा स्वच्छ नागपुर, सेफ नागपुर। हेलो एंड ऑल वेलकम एवरीवन, मैं हूं निशा पंचवानी और आप देख रहे हैं NBC न्यूज की खास पहल स्मार्ट सिटी बचाओ। जी हां, इस वक्त हम खड़े हैं नागपुर के सबसे हैपनिंग स्पॉट यानी कि फुटाला लेक में। आप सभी लोगों को मालूम है कि नागपुर का ये कितना हैपनिंग स्पॉट है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यानी कि फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे एक ऐसा दिन जहां दोस्त अपने दूसरे दोस्त को प्यार इजहार करने के लिए, उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए, उसे मिलने जुलने के लिए इसी तरह के हैपनिंग स्पॉट यानी कि फुटाला लेक पर आते हैं और सभी दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो चलिए, ये सब तो हमको मालूम है कि फ्रेंडशिप डे हम किस तरह से इंजॉय करते हैं मतलब, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गतिविधियाँ आजकल हो रही हैं, क्या वे उन सबसे आप अनजान हैं? क्या आपके जहन में नहीं आता कि जिस तरह से मुंबई का मरीन ड्राइव है, उस तरीके से नागपुर का फुटाला लेक भी होना चाहिए सबसे हैपनिंग स्पॉट, सबसे सेफ स्पॉट और सबसे क्लीन स्पॉट? तो आइए हम बात करते हैं कुछ लड़कियों से यहाँ पे और जानते हैं उनसे, क्या कभी फुटाला लेक पर उन्हें कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? कभी उन्हें लड़के जब टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं, तो क्या उन्हें कभी इससे प्रॉब्लम हुई है? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हो? यहाँ 2 सालों से आ रहे हैं हम यहाँ। आपने कभी भी फुटाला लेक आने के टाइम कभी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है कि लड़के जो है वो कि गंदे कमेंट्स करते, टीज करते हैं? हाँ, किया है बहुत बार। आपने उनको जाके थप्पड़ वप्पड़ मारा, कुछ तमीज सिखाई कि बस लेट इट गो? उन लोगों की सारी गैंग होती है तो वो तो नहीं कर सकते हम लोग। बट आपने सुना है कि एक लड़की सब पे भारी पड़ सकती है, आप अगर एक बार आवाज ऊंची उठाओगे तो आपके लिए मदद करने वाले बाकी सब लोग आ जाएंगे। हाँ, आपने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? बोलते हैं मैम, लेकिन थप्पड़ नहीं मारी है। रिप्लाई तो देते हैं कि क्यों, क्या हुआ, क्यों कमेंट कर रहा है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की है। अच्छा, किस तरह के कमेंट करते हैं लड़के आपको यहाँ पे? कुछ नहीं मैम, ज्यादातर इतना भी नहीं फेस किया है कमेंट वगैरह, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ सिटी वगैरह मार देते, कुछ माल लग रही है, ऐसा लग रही है। हाँ, तो सबसे मेन बात यह है कि ठीक है, अच्छी चीज की तारीफ करो, लेकिन इस तरीके से नहीं कि किसी लड़की को गंदा लगे, उस वजह से मत कीजिए। उसके बाद आपको कभी यहाँ पर ऐसे कपल्स दिखे जो साइड में बैठ के लवी डवी कर? काफी इजीली दिख जाते हैं, मतलब जो भी आ रहा है, फैमिली आ रही है तो डायरेक्ट वही दिखता है। कभी उनको देख के क्या लगा है? दो हम सिंगल नहीं है बट फिर भी इस तरह की हरकतें करना पब्लिक प्लेस पे सूट नहीं करती है, क्या कहना है? ऑब्वियसली मैम, उन लोगों के देख के तो बुरा लगता है क्योंकि फैमिली के साथ आते हैं कोई, हम लोग फ्रेंड के साथ आते हैं, कभी 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 तो हम लोगों के साथ हमारे यानी कि वाइस फ्रेंड भी होते हैं, तो गंदा लगता है मैम उन लोगों के साथ ये सब देखने के लिए। तो इतने सारे कपल्स होते हैं यहाँ पे कि किसी एक को बोल के कुछ फायदा नहीं है मैम। अच्छा, आप ये चीज तो मानते ही हो ना कि नागपुर का सबसे हैपनिंग स्पॉट फुटाला लेक है? सबसे हैपनिंग स्पॉट फुटाला लेक है तो उस हिसाब से वो देना भी चाहिए। यहाँ की गंदगी देख के आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ से सुधार होना चाहिए? कचरा तो इतना पड़ा रहता है कि पूछो मत। स्मोकर, गर्ल्स भी स्मोकिंग करते हैं, बॉयज भी स्मोकर, यहाँ पे इतना सारा कचरा होता है, करना चाहिए। हम लोग खुद कचरा नहीं फेंकते मैम यहाँ पे, कुछ भी खाते हैं तो वेपर्स वगैरह घर लेके जाते हैं, लेकिन बोलते भी है साथ कोई होगा तो कचरा मत फेंको यहाँ पे, ये कुछ डस्टबिन लाइक हो जाता है सब कुछ। चलिए ठीक है, तो इनसे तो हमने जाना कि किस तरीके से उन्हें पब्लिक प्लेस पर या फुटाला लेक पे कमेंट से कमेंट्स की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा किस तरह से कपल्स वो यहाँ पे गंदी तरह से लवी टवी यहाँ पे करते हैं जिस वजह से फैमिली वाले लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा बॉयज तो स्मोकिंग यहाँ पर करते ही हैं लेकिन गर्ल्स भी इसमें पीछे नहीं है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और राइट, तो आइए हम जानते हैं लोगों से कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे। मैम आप बताइए, कितने सालों से आप यहाँ फुटाला लेक पर आए? अभी तो 20 साल हो गए हैं, वैसे भी देख रही हूँ, आते जाते रहती हूँ। और यहाँ पे जैसे नहीं, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से इसके सामने जो बोटनी गार्डन है वो भी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ से लोग वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे गलत तरीके से वही के लोग उनको परमिशन देते थे
अच्छी है करके, यहाँ पे तुम अपने कंफर्टेबल करे हुए वही लोग प्रोत्साहन देते थे उन लोगों का। और यहाँ पे स्मोकिंग करने वाले बहुत है, उससे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं कि बड़े ही आते हैं, पर उनकी वजह से छोटे बच्चों को बाकी के लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए ये सब मैंने इसके लिए बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस लोगों ने यहाँ पे इधर उधर घूमते रहते पर देखते कुछ नहीं है। और यहाँ पे आप बताओ कि कपल्स यहाँ पे जिस तरीके से बैठे रहते हैं और सार्वजनिक वो बैठ के अश्लीलता जैसी हरकतें करते हैं, क्या कहना है आपको? बिल्कुल बहुत गलत है। एक्चुअली मैं तो पहली बार आई हूँ सही में, तो मैंने उतना तो कुछ देखा नहीं है, लेकिन जब मैं पहले बार आई थी तो वहाँ कपल, मतलब कपल भी थे और लड़के लड़के ये भी थे, लेकिन बहुत गलत बात है क्योंकि बच्चों को भी लेकर आते हैं तो उनको उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता फिर, तो बहुत गलत है। और यहाँ गंदगी भी बहुत है। फैमिली के एक फैमिली के साथ अपन आए तो अच्छा नहीं लगता है कि जो कपल ऐसे अश्लील हरकत कर रहे हैं तो वो बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बंदोबस्त तो करना ही चाहिए। एक्चुअली पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहोगे कि स्मार्ट सिटी में नागपुर को अगर स्मार्ट बनाया जाए तो क्या कोशिश करनी चाहिए? एक्चुअली यहाँ पर देख पुलिस बंदोबस्त रहना ही चाहिए क्योंकि अश्लील हरकत ना हो और ऐसे गंदगी भी ना देखने को मिले। एक्चुअली बस प्रशासन ने करना चाहिए। NBCN न्यूज की खास पहल स्मार्ट सिटी बचाओ, हम खड़े हैं नागपुर के सबसे हैपनिंग स्पॉट फुटाला लेक पर। मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ पे लड़कों का झूमट लगा हुआ है, वहाँ यहाँ पे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कि फैमिली वाले अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर उनके साथ हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये माता पिता अपने बच्चों के सामने इस स्थिति में यहाँ पर बैठ सकते हैं जहाँ पर कपल सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाते हैं? आइए जानते हैं यहाँ की लड़कियों से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। माई सेल्फ भाग्यश्री, और मैं मेरे यहाँ के फ्रेंड्स के साथ यहाँ फ्रेंडशिप डे मनाने आई हूँ। बट मैं यहाँ नोटिस कर रही हूँ कि जैसे हम यहाँ एंजॉयमेंट करने आए हैं उसके बजाय बॉयज़ यहाँ पे बहुत कमेंट्स पास कर रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ यहाँ सबके सामने खुल्लम खुल्ला स्मोकिंग कर रहे हैं, बॉयज़ कार पे ऊपर चढ़ कर जा रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। इसके वजह से हमें थोड़ा सोचना पड़ता है यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम यहाँ फैमिली के साथ आ नहीं सकते, यही कारण हम हमारे फैमिली के साथ आ नहीं सकते, हमें ऑकवर्ड फील होता है यहाँ आने में। और बॉयज़ इतना टीजिंग करते हैं गर्ल्स को कि गर्ल्स खुल के यहाँ रह नहीं सकती है। किस तरह के कमेंट्स आपने सुने हैं अभी तक की कि लड़के मोस्टली किस तरह के कमेंट्स पास करते हैं? जैसे कि आपको तो पता ही है नागपुर सिटी में कितने बैड कमेंट्स होते हैं, यहाँ का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा है उन्होंने। ये जैसे वो कहते हैं माल दिख रही है, क्या चल रही है, जिसके कारण हमें शर्म से नीचे मुंडे करके चलना पड़ता है। इसके अलावा भी वो और बहुत बुरे बुरे कमेंट करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर अकेले आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आते हैं, कभी आपने यहाँ पर पब्लिकली कपल्स देखे हैं जो कि गंदी हरकतें करते हैं? हाँ, हमने ऐसा बहुत बार देखा है, और अक्सर यहाँ नीचे के साइड में तो आना ही मुश्किल है। यहाँ पे कपल्स की हरकतें इतनी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है कि फैमिलीज़ यहाँ पे आना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे ये देखेंगे तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ये सब सीखेंगे। दैट्स वाई हमें बहुत सोचना पड़ता है यहाँ आने के लिए। NBCN न्यूज़ की खास पहल स्मार्ट सिटी बचाओ, नागपुर का सबसे मोस्ट हैपनिंग स्पॉट यानी कि फुटाला लेक पर हम इस वक्त खड़े हैं। मैंने लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू तो आप सभी को बता ही दिए कि उन्हें किन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फेस करना पड़ता है, लेकिन आइए चलते हैं हम जानते हैं लड़कों की राय कि वे यहाँ पर आते हैं और किस तरह से उन्हें वो चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। आप बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? तकरीबन 4 या 5 साल हो गए यहाँ पे। हम लोग हर संडेज वगैरह को या फिर जो दिन है बाकी तब आते हैं। आपने अभी तक यहाँ पर आते तो कभी कुछ देखा है ऐसा कि लड़के लड़कियाँ यहाँ पे लवी डवी कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं? नॉर्मली संडे के दिन नहीं होता है, बट अगर मंडे से फ्राइडे वगैरह देखे तो शाम के 7 बजे के बाद यहाँ नीचे वगैरह में यानी लड़के लड़कियाँ बैठी रहती हैं, तो वो चीज़ें गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बाकी लोगों को परेशानी होती है क्योंकि फुटाड़ा बोले तो फैमिली के साथ घूमने वाला स्पॉट, बट यहाँ पे जो बाकी चीज़ें मैं जो यानी हम लोग 4 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ लड़के लड़कियों के खिलाफ कमेंट मारते हैं या फिर स्मोकिंग सॉरी, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे
हिसाब से तो भी। यहाँ पे कभी लड़कियाँ आती हैं सामने से गुजरती हैं तो आपने देखा है किस तरह से उन्हें गंदे कमेंट्स वहाँ पे टीज किए? हाँ हाँ, मैं वही तो बोलना चाहता हूँ कि जो कमेंट्स होते हैं यानी बहुत गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं, तो वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके, क्योंकि फुटाड़ा ओवरऑल बोले तो फैमिली स्पॉट है। क्या आपने कभी अपने फ्रेंड्स को जो इस तरह से गंदे कमेंट्स करते हैं उनको कभी आपने ये नसीहत दी है कि वो भी एक लड़की है, वो भी किसी की बहन है, इस तरह से गंदे कमेंट्स ना करो? बहुत बार ऐसे हो चुका है, जब भी यानी बाकी लोगों के साथ आते हैं या फिर हमारे बाजू में भी कोई रहता है तो अगर समझा सके हम लोग तो समझाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा है कि यानी कोई बोले और सुने, इससे अच्छा खुद ही समझो, ये सबसे बड़ी बात होती है। नागपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है तो नागपुर पुलिस प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे कि इसको नागपुर सबसे हैपनिंग स्पॉट फुटाला को सेफ और क्लीन रखा जाए, क्या कोशिश? हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट 2-3 पुलिस वाले तो भी जो गश्त करते रहने चाहिए, ताकि क्या होता है शाम के टाइम फिर यहाँ पे जो रश होता है और जहाँ गंदे गंदे चीज़ें होती है उस पर कंट्रोल हो सके। उसके बाद में जो लड़के लड़कियाँ यानी लड़के जो लोग गाली गलौज देते हैं या फिर स्मोकिंग सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें बंद करनी देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग बेचने वाले बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, तो उनको अगर कंट्रोल में लाया जाए तो स्मोक करने की एक अलग जगह है तो वहाँ पे आप स्मोक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप सभी लोगों ने देखा हमारी NBCN की खास पहल स्मार्ट सिटी बचाओ नागपुर। इस वक्त हम खड़े हैं नागपुर के मोस्ट हैपनिंग स्पॉट फुटाला लेक पर। आप देख सकते हैं सभी लोगों में कितना उत्साह जोश देखा जा रहा है। आज यानी कि फ्रेंडशिप डे के लिए सभी फ्रेंड्स का समूह यहाँ पर मौजूद है अपनी दोस्ती अपने प्यार सबको दिखाने के लिए। तो मैं निशा पंचवानी लेती हूँ यहाँ से विदा और आप रखिए अपना ख्याल और इसी तरीके से अपना फ्रेंडशिप डे बनाए रखिए। गुलजार, गुड बाय एंड टेक केयर। स्मार्ट पीपल, स्मार्ट थिंकिंग एंड स्मार्ट सिटी, बट डू यू थिंक नागपुर कैन बी स्मार्ट? We are talking about Nagpur's most happening spot, Futaala Lake. हर नागपुरवासी का मन पसंदीदा स्पॉट फुटाला लेक क्या बन पाएगा स्वच्छ और सुंदर? क्या यहाँ परिवार के लोग आना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ? क्या महिलाएं हो पाएंगी सेफ? हम दिखाएंगे आपकी समस्याएं, ये फैसला लेंगे आप कि क्या बन पाएगा स्वच्छ नागपुर, सेफ नागपुर।